छत पे आ गई हूँ और अभी मैं बारिश में नहाऊंगी। जो है चीला बन रहा है एंड आज मैंने सुबह नाश्ते में सिया को जो है लंच में और सिया के डैडी को चीला ही दिया। मैंने छोंक दिया है, हे गाइज गुड मॉर्निंग ब्लॉग विद सिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे और खुश होंगे। हम लोग भी अपने घर में मस्त हैं, स्वस्थ हैं एंड अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं और सुबह के जो मौसम है ना आज बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्लॉग बनाऊँ, नहीं तो मैं आजकल डेली ब्लॉग बना नहीं रही हूँ। एंड अभी जो है मेरा काम भी ऐसे ही फैला पड़ा है, मतलब सिर्फ अभी जो है सिया के डैडी और सिया जो है स्कूल गए हैं, मतलब सिया के डैडी ऑफिस गए हैं और सिया स्कूल गई है। और मैं आपको ना बाहर का वेदर दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो रहा है आज दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीआर का जो वेदर है आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी रात हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा काले काले घने घने बादल आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप बाहर का वेदर देख सकते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है और आज हमारे यहाँ जो है कूड़े वाले की आवाज़ आ रही है। कूड़े वाला जो है कम से कम ना भी हो 10 दिन से आ नहीं रहा था, तो चलिए पहले कूड़ा फेंक लिया जाए। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और किचन आप देख रहे हैं कितना फैला फैला सा हो रहा है। बर्तन वैसे तो सिंक में थोड़े से ही हैं एंड तो यहाँ कूड़ा जो है कूड़ा फेंकने चलते हैं। कूड़े वाला जो है बहुत दिनों बाद आया है। तो गाइस आप जो है वेदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोमांटिक हो गया है एंड बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस जैसे कि आपको मैंने अभी बाहर का वेदर दिखाया था कि इतना ज़्यादा सुहावना सा मौसम हो रहा है, तो घर का काम भी फैला हुआ है। सोचूं पहले घर का काम कर लेती हूँ फिर ये जो मौसम को एंजॉय करूँगी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं सोच रही हूँ आज ना मैं छत पे जाऊँ और नहाऊँ बारिश में, तो देखते हैं मैं नहाती हूँ, जल्दी से काम फिनिश कर लेती हूँ फिर आप सब लोगों से मिलूँगी। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो है बेड सेट कर लिया है एंड अब मैं दूसरे घर वाले कमरे को भी सेट कर ले रही हूँ, जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ, फिर अब मैं मौसम को एंजॉय करूँगी एंड साथ में करूँगी ब्रेकफास्ट। तो गाइस मैं जो है छत पे आ गई हूँ एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नहाऊँ छत पे। तो गाइस छत पे आ गई हूँ और अभी मैं बारिश में नहाऊँगी, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस मैं ना बारिश से नहा के आ गई हूँ और आप देख सकते हैं मेरे जो है सारे कपड़े गीले हो रहे हैं एंड मैं फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ी देर और नहाऊंगी लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं आ गई नीचे एंड अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर जल्दी से काम फिनिश कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मैंने जो है नहा भी लिया है एंड यहाँ पर जो है मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा जो है चीला बन रहा है एंड आज मैंने सुबह नाश्ते में सिया को जो है लंच में और सिया के डैडी को चीला ही दिया था क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है चीला। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है क्योंकि मुझे ना खाने के साथ चाय बहुत पसंद है एंड चाय आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी कड़क है क्योंकि मैं कड़क चाय पीना पसंद करती हूँ। तो गाइस अभी जो है मैंने लगाई है मशीन एंड टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया है, 1 बज गया है एंड मैं सोच रही हूँ कि जब तक कपड़े मेरे धुलते हैं क्योंकि मौसम का जो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, देख सकते हैं आप बाहर का जो वेदर है अभी भी ठंडा ही हो रहा है, मतलब बारिश जैसा ही लग रहा है एंड यहाँ मैंने जो है मशीन भी लगा रखी है, तो जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं बना लेती हूँ दिन का लंच। और आज मैं लंच में बना रही हूँ पुलाव, आज मैं ना आलू और प्याज डाल के जो है पुलाव बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है और क्विक बनता है, तो फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने पुलाव की तैयारी कर ली है और इसके अंदर मैंने आलू प्याज कट करके डाल दिया एंड यहाँ मैंने जो घर के बेसिक मसाले होते हैं सारे डाल दिए और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा किचन किंग डाला है एंड यहाँ पर मैंने जो है कुकर रख दिया है, पुलाव है मैं कुकर में बना रही हूँ एंड जल्दी भी बन जाएगा 1 सीटी में। तो यहाँ मैं पहले ऑयल डाल देती हूँ, तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है, ये मेरा जो है यूज़ वाला ऑयल था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो जल्दी से पुलाव को छौंक देते हैं, तो पुलाव को जो है मैं यहाँ पर जीरे से छौंकूंगी, जीरा डाल देती हूँ मैं पुलाव के अंदर, जीरा डाल दिया,
जैसे ही आपका जीरा चटक जाए तो इसके अंदर आप डाल देंगे सारा। पुलाव मैंने छौंक दिया है, जल्दी इंस्टेंट बन के रेडी भी होता है और ये बच्चों को पसंद भी आता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी पसंद आता है, बहुत पसंद आता है और एक सीटी में बन के भी रेडी हो जाता है। अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।